अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स लर्न द मैथ स्किल्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। आज हमारा यूनिट नंबर 1 होगा इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास रिव्यू एंड असेस, ठीक है। यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्या है? रिव्यू एंड असेस। इट्स मीन कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो मैथ वाइज की 4 क्लास की बुक थी उसको रिव्यू देने लगे हैं। उसके कुछ कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम रिवाइज करने लगे हैं, ठीक है, इस यूनिट के अंदर। ये सारा कुछ आपने 4 क्लास में भी किया होगा, तो अब हम अगेन उसे रिपीट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। होप्स हो कि आप सबको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कहता है कि अ डिकेड इज़ 10 ईयर्स, कि एक जो डिकेड होता है वो 10 साल का होता है। मतलब कि अगर 10 साल गुजर जाए तो हम उसको बोलते हैं एक डिकेड हो गया है। अ लॉट कैन हैपन इन 10 ईयर्स, बहुत कुछ जो होता है वो 10 ईयर्स में अकर हो जाता है। मतलब वहाँ पर आपके पास 10 साल में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। Read these facts of change in the United States from 1950 to 1960. आपने क्या करना है, आपने इनके फैक्ट्स को पढ़ना है जो चेंजिंग का ये 1950 to 1960, उसे 10 ईयर्स का हमें क्या दे दिया, चेंज दे दिया। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और आपको उसने कहा कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं आपने उसके आंसर्स देने हैं। आपके पास ये टेबल है, आपने इन टेबल्स को देखते हुए वैल्यूज़ देखनी है कि 1950 में क्या थी एंड 1960 में क्या थी। और क्वेश्चन क्या है, राइट इन वर्ड्स, क्या आपने क्या करना है, वर्ड्स में राइट कर देना है। अब आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5 टर्न बाय टर्न क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग ये सोल्व आउट करेंगे। साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है वहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ से बेसिकली आपके MCQs वगैरह बन जाते हैं। इन द US पेट्रोल इज़ मेजर्ड इन गैलन्स, कहता है जो US है वहाँ पे पेट्रोल हमारा मेजर हो जाता है गैलन्स में और डिस्टेंस हमारा माइल्स में, ओके। ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं। और एक लीटर कितने गैलन्स के इक्वल होता है, तो 0.26 के। 1 किलोमीटर कितने माइल्स के इक्वल है, 0.62 माइल्स के। नाउ अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी क्या, एक्सरसाइज नंबर 1, राइट इन वर्ड्स क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे अब हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ माइल्स ऑफ टेलीफोन वायर यूज इन 1950 एंड 1960। आपने क्या करना है, आपने वो लिखने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ माइल्स जो हमारे पास टेलीफोन के जो यूज़ हुए हैं 1950 एंड 1960। अब आपने टेबल पे चेक करना है कि कहाँ पे है कि जहाँ पे माइल्स ऑफ टेलीफोन वायर है, तो लास्ट वन है। तो अब हमने क्या करना है, लास्ट वन पिकअप करना है, तो उसकी वैल्यूज़ भी पिकअप करनी है हमने, और उनको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ माइल्स ऑफ टेलीफोन वायर कितने हैं हमारे पास, ठीक है। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हम ये करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1 रिव्यू एंड असेस, एक्सरसाइज नंबर 1 राइट इन वर्ड्स है, क्वेश्चन नंबर 1 करने लगी हैं। उसने बेसिकली हमें क्या बोला, टेलीफोन माइल्स का बोला था। अब टेलीफोन माइल्स का जब उसने हमें बोला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1950 के टेलीफोन माइल्स भी लिख दिए हैं हमने, ठीक है, और 1960 के भी। अब जब 1950 की मैं बात कर रही हूँ, मैंने उसकी वैल्यू उठाई है 3852500। अब उसने हमें यहाँ पे क्या कहा है, उसने हमें यहाँ पे ये कहा है कि आपने क्या बताना है, इसको राइट इन वर्ड्स में करना है। अब राइट इन वर्ड्स में करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, जिसमें है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। 100,000 को बेसिकली लैक भी बोला जाता है, जो कि अब न्यू बुक्स हैं तो 100,000 यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने भी 100,000 यूज़ किया। अब यहाँ मैंने वैल्यूज़ राइट नहीं की। अब क्यों नहीं की, क्योंकि आपको मैंने बताना था कि हमेशा वैल्यूज़ अपनी राइट साइड से स्टार्ट करनी है लिखना। मतलब लास्ट पे राइट पे हमारे पास क्या है, 0, तो आपने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग पे क्या कर देना है, 0, फिर 0 है, देन 0, 0, फिर क्या है, 5, तो आपने यहाँ पे भी 5 राइट कर देना है। आपने हमेशा अपनी राइट साइड से स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है। और आपने पिकअप जो नंबर हैं वो भी आपने राइट साइड से करने हैं। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। इट्स मीन कि आपके पास क्या आ रहा है, 38 मिलियन में आ रहा है, ठीक है। इन दोनों मिलियन कॉमन है ना, तो 38 मिलियंस
फाइव किसके नीचे आ रहा है, 100,000 के नीचे। अब 1,000 तो 100,000 के साथ भी है, 10,000 के साथ भी है, तो 1,000 के साथ भी है, तो हम लिखेंगे 5,000 and 25,000, ठीक है, 500 and 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मतलब इसी का ही जो है वो, ओके नेक्स्ट देखें। अब 1960 का, 1960 की वैल्यू लिखी है 6,573,500। अब उसी का भी सेम हमने टेबल ड्रॉ किया, यूनिट 10, 100,000, ठीक है, और वैल्यूज हमेशा हमने राइट से लिखना स्टार्ट करनी थी, तो मैंने राइट से ही लिखी है 000,53,76,56। अब हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हमारा मकसद जो है वो सिर्फ वर्ड्स में राइट करना है, ये टेबल बनाना नहीं है। अगर तो आपको नंबर्स वैसे ही पढ़ने आते हैं, यूनिट 10, 100, तो आपको लिखने की टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 65,073,735,000, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन US रोड इन 1950 एंड 1960। अब हमने नंबर ऑफ व्हीकल्स बतानी है। अब जब US रोड की बात कर रहा है तो US रोड की हमारे पास ये है, ठीक है। अब जब हमारे पास ये है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली वैल्यूज पिकअप कर लेंगे, ओके। ओके तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू आ गया, नंबर ऑफ माइल्स ऑन US रोड 1950, 1960। 1950 की वैल्यू ये मैंने राइट कर दी, 1960 की वैल्यू बुक से देकर ये राइट कर दी। अब यहाँ मैंने आपको ये समझाने के लिए ये एक ही टेबल में दोनों वैल्यूज लिख दी हैं कि टेबल हमारा बनाना ज़रूरी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ राइटिंग वर्ड्स में करना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक हम तो पूरा कर रहे हैं उसको, राइटिंग वर्ड्स में कर रहे हैं। टेबल बनाएं ना बनाएं, एक ही टेबल में दोनों वैल्यू को एडजस्टेड कर लें, आपकी अपनी मर्जी होती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। सबसे पहले 1950 की वैल्यू पुट कर दी, फिर 1960 की वैल्यू पुट कर दी, फिर राइटिंग वर्ड्स में करना था। अब 1950 का वर्ड में राइट करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 49,300,000, ठीक है। अब 1960 की बात करें तो 73,769,000, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड द डिफरेंस, मतलब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, डिफरेंस को फाइंड आउट करना है बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर माइल्स ऑन द US रोड इन 1950 एंड 1960, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैसेंजर माइल्स ऑन द US रोड इन 1950 एंड 1960। मैंने 1950 और 1960 का क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। अब डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बड़ी वैल्यू ऊपर आती है, छोटी वैल्यू नीचे आती है, तो मैंने 1960 की जो वैल्यू थी वो ऊपर लिखी, 1950 की नीचे। अब 5 में से 6 नहीं था निकलता, तो मैंने ये पीछे से कैरी लेती गई हूँ। जब पीछे से कैरी लिया 15 हो गया, 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है। इसी तरह पीछे 3 रहेगा, 3 में से, फिर हमने 8 में से 1 कैरी लिया 13, तो 13 में से 4 गए तो 9, फिर 7 रहेगा, 7 में से 2 गए तो 5, 8 में से 8 गए 0, ठीक है। अब 1 में से 5 तो नहीं चाहता, तो हमने यहाँ से क्या किया, कैरी ले लिया 1, तो 11 में से 5 गए 6, 6 में से 4 गए 2। अब इसको वर्ड्स में राइट करना था। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ टेबल नहीं बनाया, ठीक है, मैंने टेबल नहीं बनाया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ पे इसको वर्ड्स में राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे, 260,599, ठीक है। यहाँ से मैंने कैसे पढ़ा, यूनिट 10, 100,000, 10,000, ठीक है, और 100,000, तो 100,260,599, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ मोटर फ्यूल सोल्ड इन द गिवन 10 इयर्स। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा, टोटल अमाउंट पूछी है जो कि 10 साल के अंदर जो मोटर फ्यूल हुआ है वो सोल्ड किया गया। अब यहाँ से मोटर फ्यूल की हमने वैल्यू उठा ली, ये वाली, ठीक है, ये मोटर फ्यूल लिखा हुआ है ना हमारे पास टेबल पर, तो हमने टोटल बताना था उसका। मैंने किया 1950 प्लस 1960, दोनों की वैल्यूज़ को ऐड अप कर दिया। जब ऐड अप किया तो मेरे पास आंसर आया 1,039,940,000। तो इसके लिए मैंने टेबल बनाया, टेबल बना के मैंने वैल्यूज राइट से लिखना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद 103,994,000, ठीक है।
आपके पास यहाँ देखो 1000 कॉमा था तीनों में, तो 1000 हमने वन टाइम जस्ट राइट किया। यहाँ पे मिलियन कॉमा था तीनों में, तो हमने जस्ट वन टाइम राइट किया, हमने ऐसे नहीं लिखा 100 मिलियन 3 मिलियन ऐसे नहीं, ठीक है 3 मिलियन 994,000। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज 8 मीन इन 3 8 5 2 5 0 0। कहता है कि आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि 8 का क्या मतलब है इस वैल्यू में। तो अब हम इसको टेबल के ज़रिए देखेंगे क्या मतलब है। मैंने टेबल बनाया यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। मैंने इसके अंदर डायरेक्ट से वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दी। अब मेरे पास जो 8 था वो ये आया, ठीक है 8 ये है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8, कि जो 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 8 मिलियन, ऊपर मिलियन है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 8 मिलियन। होप सो कि आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 1 का आपको समझ में आया होगा, ठीक है 1 2 3 4 5 सारे आपको। होप सो कि आज का काम आपको समझ में आया होगा, एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी हो गई कंप्लीट। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।